इंग्लैंड में शराब पीना आम बात है, लेकिन फिलहाल देश में इसकी नदियां बहा दी गई हैं। लॉर्ड्स के मैदान से लेकर सड़क तक हर तरफ शराब ही शराब है। इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ी हाथों में बोतल लिए जश्न मना रहे हैं। कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई सिगार। विश्व कप जीते को 12 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब भी पूरा देश मदहोश है। सड़कों पर फैंस ने नंगे होकर जश्न मनाया है। कई तस्वीरों में ये नज़ारे देखे जा सकते हैं। इंग्लैंड के कप्तान मोर्गन हो या विकेटकीपर बटलर, सभी शैंपेन उड़ा रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में बोतलें ऐसी जमी हैं जैसे क्रिकेट का सामान जमा हो। पूर्व क्रिकेटर भी इस जश्न में शामिल है। क्रिकेटरों के परिवार के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कोई अपनी पत्नी को चूम रहा है तो कोई गर्लफ्रेंड को गोद में उठाए घूम रहा है। किसी ने अपने बच्चे को सर पर बैठा रखा है तो कोई अपने साथी क्रिकेटर को कंधे पर बैठा कर घूम रहा है। जॉस बटलर की वो तस्वीर सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है जिसमें उन्होंने शैंपेन की बड़ी बॉटल पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू फिंटॉफ पर उड़ेल दी है। टॉम करेन का सिगरेट पीते हुए फोटो भी खूब वायरल हो रहा है। जैसन रॉय के बच्चे वाले तस्वीर भी लोगों ने खूब सराही है। इंग्लैंड को जीत के करीब पहुंचाने वाले बेन स्टोक्स इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि वो अलग अलग लड़कियों के साथ देखे जा सकते हैं। जिस लड़की को गले लगाया था उसे उनकी गर्लफ्रेंड कहा जा रहा था, लेकिन वो बाद में एक और लड़की के साथ नजर आए जिसे वो चूम रहे थे। पूर्व क्रिकेटर भी इंग्लैंड टीम के जश्न में शामिल हो गए हैं। मीडिया भी सेलिब्रेशन का हिस्सा है। एक महिला फैन की तस्वीर भी खूब चल रही है जो मैदान पर कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी। उसे सुरक्षा गार्डो ने पकड़कर बाहर कर दिया। वो अपने बेटे की पोर्न साइट का प्रमोशन करने पहुंची थी। इंग्लैंड की टीम जश्न के लिए जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया को एशेज में हराने के बाद भी उन लोगों ने मैदान पर ही शराब पी थी। कुछ अटपटे किस्से भी हुए थे। कुछ खिलाड़ियों ने मैदान पर पेशाब भी कर दी थी। इस घटनाक्रम के बाद इंग्लैंड टीम की आलोचना भी हुई थी। मीडिया ने भी खूब लताड़ा था। फटकार के बाद दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं हुई। न्यूजीलैंड में आलम दूसरा है। वहां आंसू में दर्द है और एक दूसरे को सांत्वना दी जा रही है। अच्छा खेलने के बावजूद उनकी टीम खिताब नहीं जीत सकी। खबर ये भी है कि न्यूजीलैंड के कुछ इलाके में मौन रखा गया है। वहां माना जा रहा है कि हमारा क्रिकेट अच्छा होने के बावजूद मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।